नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आहाना छोड़ेगी घर को। जी हां, हालांकि ऋषि और लक्ष्मी पूरी तरीका से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसी बीच में मलिष्का ये बोलती हुई नजर आएगी ऋषि की मॉम नीलम से कि आंटी, ये सब कुछ जो हो रहा है ये लक्ष्मी की वजह से हो रहा है, हो सके तो लक्ष्मी को अभी के अभी घर से बाहर कर दीजिए। और जैसे ही ऋषि की मॉम नीलम जो कि लक्ष्मी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगी, तभी ऋषि हाथ पकड़ लेगा और बोलेगा कि आप शांत रहिए, क्योंकि आपके बस की नहीं है ये चीज़ और ना ही आप कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी मेरी लीगल वाइफ है। जी हाँ, ऋषि पूरी तरीका से सभी को वार्निंग देता हुआ भी नजर आएगा पूरी परिवार को कि लक्ष्मी को तुम ऐसे नहीं कर सकते, लक्ष्मी मेरी लीगल वाइफ है और लीगल वाइफ के साथ में अगर किसी भी तरीका की कोई भी प्रॉब्लम की तो वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिसके बाद में खुद ऋषि की मॉम नीलम जो कि ऋषि पे को गर्म होती हुई नजर आने वाली है, लेकिन इसी बीच आहाना के भाई यानी कि आयुष भी गर्म होता हुआ नजर आएगा। वो बोलेगा कि इसमें लक्ष्मी भाभी का क्या कसूर है, अगर आहाना की सगाई टूटी है और आहाना प्रेग्नेंट है तो इसी में किसी भी तरीका से लक्ष्मी का दोष नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लक्ष्मी और आहाना इस समय इन दोनों के बीच में कितनी सॉलिड बॉन्डिंग है और लक्ष्मी ने अपने ऊपर पूरे का पूरा ब्लेम ले लिया था, पूरा आरोप अपने सर पर ले लिया था ताकि किसी भी तरीका से आहाना को प्रॉब्लम ना हो, और ये सब कुछ जो कि पूरा परिवार जान चुका है। इस समय ऋषि के फादर भी जानते हैं कि लक्ष्मी ने जो इस परिवार के लिए किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। इधर बात की जाए तो जल्दी ही मलिष्का का पत्ता भी इस घर से कटने जा रहा है, क्योंकि मलिष्का को पता लग चुका है कि ऋषि उससे कभी भी शादी नहीं करेगा और ना ही उसका हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट एक बार फिर से देखने को मिलेगा जहाँ पर लक्ष्मी खेलेगी एक बहुत बड़ी प्लानिंग, क्योंकि लक्ष्मी को पता है कि आहाना के पक्ष में तो है, लेकिन उसे मलिष्का को भी इस घर से निकालना है, क्योंकि मलिष्का ने काफ़ी समय से पूरी फैमिली को भड़का के रखा है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि गाइज, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट।